हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी हुआ है सुबह का टाइम, सुबह सुबह मैं यहाँ घूम रही हूँ। आजकल सुबह पार्क नहीं जाती, आजकल क्या बहुत दिन हो गए मेरे को सुबह पार्क जाए हुए। शाम को तो मैं चली जाती हूँ, चक्कर शाम को लगा लेती हूँ, लेकिन सुबह मैं यहीं से घूम लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब 15-20 मिनट घूमती हूँ, उसमें भी थोड़ा सही रहता है। शाम को पार्क चले जाती हूँ, 2 चक्कर पार्क से लगा के मोटर भी चला दो भाई। उठते ही सबसे पहले तो मैं बाहर घूमती हूँ थोड़ी देर, 15-20 मिनट घूमने के बाद फिर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हो गया है गर्म पानी। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म नहीं पियेंगे, इसमें थोड़ा सा ठंडा मिलाऊंगी और फिर तीनों को दे दूंगी, मतलब मेरे को, मम्मी को और सुमित को। हम सारे ही गर्म पीते हैं और वैसे भी अच्छा भी होता है गर्म, एक तो वेट भी कम होता है और सुबह सुबह चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती गर्म पानी पी लें तो बस बैठ के आराम से पहले गर्म पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो एक सर्दी खांसी भी हो रखी हो ना, जुकाम हो रखा हो, तो उसके लिए भी बेटर है गर्म पानी पी लो अपने। और अभी लग जाती हूँ अपने बाकी के सारे काम निपटाने। तो जो सुबह सुबह के काम होते हैं, सबसे पहले तो ये अपना बेड ठीक करना ही होता है, चादर झाड़ के, कंबल की तह वगैरह करके। और अभी काम वाली दीदी आएगी तो उससे पहले मैंने सोचा सारे बेड शीट वगैरह झाड़ दूँ, तो फिर मैंने ये झाड़ दी थी। और जब वो झाड़ू पोछा कर रही थी तो डस्टिंग भी साथ साथ में ही कर ली थी। और आज कपड़े तो धोने नहीं थे क्योंकि कल धोए थे मैंने, तो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ही मैं कपड़े धोती हूँ, तो कल धो दिए थे, आज कपड़ों का नंबर था ही नहीं। तो बस डस्टिंग और चादर वदर झाड़ के तो फिर मैं लग गई हूँ फ्रूट काटने। सेब तो हम सुबह सेब जरूर खाते हैं, अगर नहीं हो ना तब भी सामने ही दुकान है तो वहां से भाग के ले आती हूँ। और सेब पता नहीं एक आदत भी बन गई है हमारी सुबह सुबह फ्रूट खाने की, कोई भी फ्रूट हो, ज्यादातर तो सेब ही लेके आते हैं हम, सेब ही खाते हैं। और एक बहन ने कमेंट कर रखा था कि छिलके के साथ ही सेब खानी चाहिए क्योंकि छिलके में फाइबर होता है। मैं तो फाइबर वाली सेब ही खाती हूँ, छिलके के साथ ही खाती हूँ, लेकिन मम्मी से है ना छिलके के साथ चबती नहीं सेब दांतों से, तो मम्मी का जो सेब काटती हूँ मैं वो छिलका उतार के काटती हूँ, लेकिन मैं तो छिलके समेत ही खाती हूँ। और सेब खाने के बाद है ना सुबह फिर कई देर तक भूख नहीं लगती, तो नाश्ता थोड़ा लेट भी बन जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो नाश्ता बनाने से पहले जो मैंने ये कपड़े कल सुबह धोए थे वो सूख गए थे, तो वो सारे उतार लिए हैं, उनकी तह कर दी है सारे की। और कुछ ये कपड़े प्रेस वाली को दे रखे थे तो वो भी कई दिन से आए रखे थे गठड़ी में, ऐसे ही बंधे रखे थे, तो उनकी भी मैंने तह लगा के सारे अलमारियों में जचा दिए हैं, दोनों अलमारियों में लगा दिए हैं। और इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। पानी दे देती हूँ, पौधे में कई दिन हो गए बेचारे सूख गए हैं। और एक पौधा तो मेरा देखो ये सूख ही गया बिल्कुल, इसमें दोबारा लगाना पड़ेगा कोई और पौधा। इसमें भी काफी दिन हो गए पानी दिए हुए। सूख तो गया पर पानी तो दे ही दूं। और पौधा लगाएंगे लाके। और देखो ये एलोवेरा में तो ये झंडी सी भी आ गई है, इतना बड़ा हो गया, ये झंडी सी निकलाई, बीज निकला है इसका एलोवेरा का। और अब आ गया है नाश्ते का नंबर, तो अभी नाश्ता बनाने लग गई हूँ मैं। और नाश्ते में ज्यादा कुछ खास नहीं, बस चाय और रोटी बनाएंगे। रोटी में है ना जैसे सुबह आटा जो गूंथती हूँ ना तो नमक डाल लेती हूँ, तो चाय के साथ वो नमक वाली रोटी और फिर उस पर मलाई रख के, अचार रख के या फिर चटनी हो तो चटनी रख के खाते हैं ना, बड़ी टेस्टी लगती है, सब्जी से भी ज्यादा टेस्टी लगती है और एक रोटी ज्यादा ही खाई जाती है। तो हम ज्यादातर यही खाते हैं सुबह, रोटी खाते हैं चाय के साथ।
तो नाश्ता पानी हमारा हो गया है और किचन भी सारी साफ कर दिया। बस ये बर्तन पड़े हैं, अभी इन बर्तनों को भी साफ कर देती हूँ। और जो पहले ये मैंने कल बर्तन साफ करे थे ये सूख गए थे, ये मैंने रैक से उतार के और ड्रॉर में लगा दिए हैं। और रैक में है ना, एक बार के बर्तन साफ करे हुए ही आते हैं, तो पहले मेरे को ये लगाने पड़ते हैं और फिर बाद में ही जो अब आज के बर्तन है वो साफ करूंगी। तो बस यहाँ फटाफट मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए थे। और सुबह के काम निपटाते निपटाते 11-12 बज जाते हैं, और उसके बाद फिर मेरे को व्लॉग भी तैयार करना होता है। तो बर्तन साफ करने के बाद मैंने व्लॉग रेडी किया, और आज मेरे को मार्केट भी जाना है। तो फिर बस फटाफट मैं सारे बर्तन साफ करके और व्लॉग तैयार करके और मार्केट के लिए रेडी होंगी। ये देखो, आज मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई है, ये वाली देखो कैसी लग रही है। और आजकल मेरे को नेल पेंट का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। मतलब जैसे शादी थी ना, तो शादी में मैंने नेल पेंट लगाई, तो उसके बाद मेरे को ये हो रहा था, मैं लगाती रहूं। क्योंकि एक तो नेल पेंट लगाने से मेरे नाखून ना स्ट्रोंग होने लगे, मेरे को लग रहा है ऐसे। पहले जब नहीं लगाती थी ना तो ऐसे टूट जाते थे, हाथ से ही मैं तोड़ लेती थी और बढ़ते भी नहीं थे ढंग से। और जब से नेल पेंट लगानी शुरू करी है, देखो नाखून बढ़ भी गए हैं मेरे, और इतने अच्छे हैं, टूटते नहीं अब बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा लगा ही लूँ, फिर इतने बढ़िया हो रहे हैं तो नेल पेंट लगाने से नाखून। वैसे तो 2-3 दिन में उतर जाती है, क्योंकि काम करते हैं ना, काम करते बर्तन साफ करने में और कपड़े धोने में उतर जाती है, पर मैं 2-3 दिन में चेंज करती रहती हूँ। तो इसीलिए आजकल ये वाला शौक मेरे को चढ़ा हुआ है, देखते कितने दिन तक रहता है। वैसे तो अच्छी भी लगती है ना। और अभी हमारे सारे काम हो गए हैं, सुबह के नाश्ता पानी सब हो गया है, और मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि आज भी जाना है मेरे को मार्केट। तो आप भी ये सोचते होगे रोज मार्केट घूमने जा रही है, अभी क्या करें, अभी थोड़ा काम बचा है मार्केट का, तो वो करके आऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ शाम को। तो चलो मैं मार्केट जाती हूँ, अभी दोपहर हो गई है। लो भाई, पहुंच गई हूँ मैं मार्केट, और मार्केट आए मेरे को हो गया है आधा घंटा, लेकिन मेरी शॉपिंग अभी पूरी नहीं हुई है। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, फ्रॉक सूट हैं, और लगातार ये लहंगे और फ्रॉक सूट की दुकान नहीं थी, कई सारी लगातार थी। जो मैंने खरीदना था वो खरीद लिया है, और अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। और आज मार्केट में ना इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी थी, सामान तो थोड़ा सा ही लेना था, लेकिन भीड़ के कारण दुकानों पे इतनी भीड़ थी कि किसी को दिखाने का भी टाइम नहीं था, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ये देखो कितनी भीड़ हो रखी है। सैटरडे संडे को तो ना गुड़गांव की मार्केट में खूब भीड़ होती है, जबकि जो रोहतक की मार्केट है वो तो संडे को बंद रहती है, जबकि गुड़गांव की मार्केट तो इसी दिन सैटरडे संडे को ही ज्यादा भीड़ होती है, बहुत। तो सैटरडे संडे को तो मार्केट आना ही नहीं चाहिए, गुड़गांव की मार्केट में इतना रश होता है ना, बहुत ज्यादा। और मेरे को एक तो शॉपिंग करते हुए इतना टाइम लग गया, क्योंकि भीड़ थी, तो भीड़ के कारण कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। और फिर जब मैं जाने लगी ना, तो मेरे को ऑटो नहीं मिल रही थी, जो भी मिल रही थी ना वो बहुत ज्यादा मतलब डबल रेट कर रखे थे, शाम के टाइम ऑटो वालों के रेट ज्यादा ही हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कैब बुक करती हूँ, तो फिर मैंने कैब बुक करी, और फिर कैब ने भी आने में 15-20 मिनट लगा दी। मैं 15-20 मिनट तक वहीं खड़ी रही, और मेरे को घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गए, तो बहुत लेट हो गया था। और फिर मेरे को आके खाना भी बनाना था, तो फटाफट आते ही मैं नहाई भी नहीं, पहले खाना बनाने में लग गई। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्जी, क्योंकि ये जल्दी बन जाती आलू गाजर की सब्जी, तो मैंने यही बना ली। तो साथ साथ में मैंने यहाँ सब्जी छील ली, काटी और साथ में ही छोंक दी, इससे है ना जल्दी बन गई सब्जी। जब तक प्याज फ्राई हुए तब तक मैंने टमाटर और हरी मिर्ची काट ली, और जब टमाटर और हरी मिर्ची पकी इतने मैंने आलू और गाजर काट लिए, तो जल्दी सब्जी छोंक के और फटाफट आटा गूंद के रोटी बना दी, और किचन वगैरह साफ करके बर्तन साफ करके, और फिर मैं नहाने गई थी। तो इससे मेरा जल्दी काम निपट गया, साथ साथ छोंकने से सब्जी।
चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।